स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरु जी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सेलफोन के यूज से कैंसर होता है। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों लोग ऐसा कहते हैं कि लंबे समय तक अगर आप सेलफोन का यूज करते हो तो कैंसर हो सकता है, तो क्या ये बात सही है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात अब तक की स्टडीज से तो सही नहीं लगती है। अब तक ये टॉपिक पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और कोई भी रिसर्च में ये रिजल्ट नहीं मिला है कि सेलफोन के यूज से कैंसर होता है। अब तक के कोई भी रिसर्च में ये प्रूव नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में कोई रिसर्च होता है तो ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब तक के रिसर्च में ये चीज प्रूव नहीं हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लंबे समय तक अगर आप सेलफोन का यूज कर रहे हो तो कौन सी बायोलॉजिकल इफेक्ट होती है। मान लीजिए अगर आप सेलफोन पे बात करो 1 घंटा 2 घंटा तो आपकी बॉडी में उसकी क्या इफेक्ट हुई। दोस्तों जब आप किसी का फोन रिसीव करते हो या आप किसी को कॉल करते हो और बात करते हो, उस टाइम पे जनरेट होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव फॉर्म। अब यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव फॉर्म जो है वो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म है। अब जब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म की तो वहां पे दो कैटेगरी है। सबसे पहली आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब जब बात होती है आयोनाइजिंग की तो वहां से कैंसर हो सकता है। एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है, तो जिसकी वजह से कैंसर नहीं हो सकता। और यही चीज जो है वो पिछली हुई सारी स्टडीज में बताई गई है। लेकिन यहां पे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म की कुछ तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। माइक्रोवेव ओवन, जब उसमें आप कुछ खाना रखते हो तो क्या होता है? गर्म होता है। सेम वही तरह से मान लीजिए आप ये फोन है, आप यहाँ पे रख के आप बात कर रहे हो, तो ये जो टिश्यूज है उसके सराउंडिंग एरिया के वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो उनको हीट मिलती है, तो वो थोड़े गर्म होते हैं। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट होती है अगर आप लंबे समय तक फोन पे बात करते हो। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लंबे समय तक। अगर आप किसी का फोन उठाते हो और तुरंत ही रखते हो तो उसकी वजह से कोई भी इतना ज्यादा हीटिंग नहीं होता है। एंड आजकल जो फोन्स बन रहे हैं वो भी तो अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि लंबे समय तक सेलफोन के यूज से कैंसर होता है तो ये गलत बात है। लेकिन जब ये टॉपिक जब उछला था तब बहुत सारे जो कंक्लूजन है वो निकल के आए थे, बहुत सारे पॉइंट्स जो है सामने आए थे। उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि अगर आप लंबे समय तक सेलफोन पे बात करते हो तो जो सराउंडिंग एरियाज के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये टॉपिक पे 3 रिसर्च हुए और तीनों में डिफरेंट रिजल्ट मिले। एक में ऐसा रिजल्ट मिला कि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है, दूसरे में ये रिजल्ट मिला कि ब्लड ग्लूकोज में कोई भी चेंज नहीं आता है, तीसरे में ये रिजल्ट मिला कि ब्लड ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे उसमें भी कोई ऐसा रिजिड प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद एक और पॉइंट निकल के आया था कि अगर आप लंबे समय तक फोन पे बात कर रहे हो तो उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे रख के बात कर रहे हो तो सराउंडिंग टिश्यूज में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन उसका भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि अब तक की स्टडी से इतना पता तो चलता ही है कि लंबे समय तक अगर आप सेलफोन का यूज कर रहे हो तो कैंसर तो नहीं हो सकता। वहां पे एक चीज हो सकती है कि सराउंडिंग टिश्यूज को थोड़ी हीट मिले, वो थोड़े गर्म हो जाए, लेकिन गर्म होने से कैंसर नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं पहले आपको बताया, अगर वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है लाइक एक्सरे तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी डीएनए को कभी भी डैमेज नहीं करता है, वो ज्यादा से ज्यादा टिश्यू को गर्म करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों अब तक के रिसर्च से यही चीज पता चली है कि लंबे समय तक सेलफोन के यूज से कैंसर नहीं होता है। तो अगर आपको कोई ये पूछता है या बताता है कि क्या कैंसर होता है, या अगर ऐसा कहता है कि लंबे समय तक फोन के यूज से कैंसर होता है, तो दोस्तों ये बात अब तक की स्टडी पे बिल्कुल ही गलत है। लंबे समय तक आप फोन का यूज कर रहे हो तो एक ही बायोलॉजिकल इफेक्ट है कि सराउंडिंग टिश्यूज जो है वो थोड़े हीट हो जाते हैं, उसको वो थोड़े गर्म हो जाते हैं। अगर आप उसे भी अवॉइड करना चाहते हो तो आप हैंड्स फ्री यूज कीजिए, फोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, ईयरप्लग यूज कीजिए, वो भी इफेक्ट आपको नहीं होगी। दोस्तों अब तक के ही रिसर्च है, आगे फ्यूचर में अगर कोई रिसर्च होता है तो मैं जरूर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट दूंगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों ये बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि लंबे समय तक सेलफोन के यूज से कैंसर नहीं होता है। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आप गूगल पे भी जा सकते हो, वहां पे भी आपको यही आंसर मिलेगा। दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को अभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।
अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो जल्दी से ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।